हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बालमुकुंद गुप्त को। बालमुकुंद गुप्त जी की हमने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साथ में उनकी निबंधों की भाषा शैली को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को जो कि हमारे कोर्स में है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे में जो बालमुकुंद गुप्त जी हैं, उन्होंने शिव शंभू के नाम से कुछ खत ब्रिटिश सरकार को लिखे हैं और वो खत जो हैं, वो सभी चिट्ठे और खत जो हैं, वो सन 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र जो एक पत्रिका है, जो जिनका संपादन वो स्वयं कर रहे थे, उसमें प्रकाशित हुए थे। और पहले ये चिट्ठे सन 1906 में पुस्तक रूप में छापे गए, जिनमें से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम हैं और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं, था भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। खतों में एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से पुलर साहब को था, सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को भी लिखा है। तो इसके अंतर्गत गुप्त जी ने अंग्रेजी शासन की जो कमियां थी, जो उनके उनका जो अत्याचार था, उसको यहाँ पर उन्होंने बताया है। उन्होंने लॉर्ड रिपन और विक्टोरिया घोषणा पत्र को भी उन्होंने श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा था, किंतु उनका भाव परिवर्तनशील ही हो गया और उन्होंने अन्य लेखकों की अपेक्षा वे ज़्यादा क्रांतिकारी थे और उनकी शैली भी आलोचनापूर्वक कुछ ज़्यादा थी। उन्होंने स्पष्ट निबंध लिखकर एक दूसरी शैली का अनुगमन किया, जो कि एक पत्रों की शैली थी। और इसके अंतर्गत जो बालमुकुंद गुप्त थे, इन्होंने शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन को लिखे। इसमें लॉर्ड कर्जन की नीति, उनके कार्य और भारत की एकता विरोधी जो उनकी भावना थी, उसकी कटु आलोचना की गई है। गुप्त जी ने अपने चिट्ठों में विशेषतः लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की कुछ ऐसी घटनाओं पर, जिनका प्रभाव भारतीय हित के प्रतिकूल था, बहुत ही मार्मिकता, देशभक्ति और उत्कृष्ट भारतीय के साथ उस पर विचार किया है और उसे अंग्रेजी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार का निर्माण कराया और कलकत्ता में उन्होंने 72,21,875 रुपये के मूल्य का विक्टोरिया स्मारक निर्मित कराया, जिसकी को भारतीयों को बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी, उसका लॉर्ड कर्जन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया, ऐसा ही इन्होंने कुछ अपनी चिट्ठों में बताया है। तो अब हम एक एक चिट्ठा देख लेते हैं। तो पहला चिट्ठा है जिसका नाम है बनाम लॉर्ड कर्जन। ये गुप्त जी का प्रथम चिट्ठा 11 अप्रैल 1903 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कर्जन के कार्यों का बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थाई एवं सारहीन कहकर मजाक उड़ाया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में 2 ही गिनाने लायक काम किए थे, एक तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। लॉर्ड कर्जन के दोनों ही कार्यों को गुप्त जी ने व्यक्तिगत अहंता और यश लालसा का परिणाम तथा बुलबुल उड़ाने के खेल से भी से अधिक मूल्यवान नहीं माना। जैसे कि उन्होंने अपने बचपन में ऐसा किया था कि बुलबुल उड़ाने वाला उनका खेल था, तो उससे ज़्यादा उन्होंने उसे महत्व नहीं दिया। कर्जन के मुकाबले रिपन को खड़ा करने के बाद शासन के बुनियादी सिद्धांत की वो उसमें बात करते हैं। उनके अनुसार कि इस दरिद्र देश के धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती, वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम कर लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये उनकी अपनी लाइन है जो कि इस चिट्ठे में उन्होंने लिखी है। तो इसके अंतर्गत जैसे हम देख रहे हैं कि उन्होंने गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी अहंता और यश लालसा को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो दूसरा चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत। इस दूसरे चिट्ठे में जो श्रीमान का स्वागत है, ये 26 नवंबर सन 1904 में लिखा गया और भारत में ही प्रकाशित किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन 5 साल की अवधि पूरी करके इंग्लैंड वापस जा चुके थे, लेकिन उनका कार्य जो है मद्रास के गवर्नर ने संभाल लिया था, मगर इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें पुनः 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त करके वापस भेज दिया। इसी के ऊपर इन्होंने लिखा है श्रीमान का स्वागत। और चूंकि जैसा कि कर्जन ने पहले अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति की थी, तो इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है गुप्त जी ने। और उनके अनुसार भारतीयों को उसका दोबारा आना बिल्कुल पसंद नहीं हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तो कर्जन ने दिल्ली दरबार के अभावों की पूर्ति के लिए कलकत्ता में शानदार जुलूस का आयोजन कराया, जिससे जनता का कोई भला नहीं हुआ, और यही गुप्त जी अपनी चिट्ठे में बताना चाहते हैं।
इसके अतिरिक्त कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा को मिटाने के लिए भी अपनी स्वायत्तता प्रदान कर दी, और साथ ही इसमें वे कर्जन के पुराने कार्यों का तो जिक्र करते ही हैं, साथ ही औपनिवेशिक शिक्षा नीति के उस चरित्र की पहचान करते हैं जो बहुत कुछ अब भी जारी है। बहुत कुछ क्या, बिल्कुल ही जारी है। अंग्रेज़ों का एक ही कार्य था अपनी औपनिवेशिक नीति को आगे बढ़ाने का, तो इसी का वर्णन यहाँ पर दूसरे चिट्ठे में गुप्त जी ने किया है। तीसरा चिट्ठा है इनका वैसराय का कर्तव्य। ये तीसरा चिट्ठा जो कि 17 सितंबर 1904 में प्रकाशित हुआ, में वे जनता के प्रतिनिधित्व का दावा पेश करते हैं और इसी क्रम में देश की साधारण जनता का जीवन चित्र खींच देते हैं। जहां वायसराय के आने पर बाजे बजते रहे, फौजी सलामी देते रहे, इसके विपरीत शिव शंभु इस देश की प्रजा का, यहाँ के चितड़ापोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन और किचनर के भारत विरोधी कार्यों की अपेक्षा लॉर्ड कैनिंग के कार्यों में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को अधिक महत्व देते हैं। तो इस चिट्ठे में गुप्त जी ने जो भी कर्तव्य हैं वायसराय के होने चाहिए वो इस चिट्ठे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जो वायसराय है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने यश को ही नहीं देखना है, उसे जो उसकी प्रजा है उसके बारे में भी सोचना उसका ही कार्य है। अगला है चौथा चिट्ठा, पीछे मत फेंकिए। शिव शंभू का यह चिट्ठा 17 दिसंबर 1904 में प्रकाशित हुआ और गुप्त जी ने कर्जन में कार्नवालिस की इस चिट्ठे में तुलना की है कि कार्नवालिस के समय सभी परिस्थितियां उसके विपरीत थी, यानी कि वो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी जिसकी वो कुछ कर सके। यही चीज़ यहाँ पर इस चिट्ठे में इन्होंने कही है कि लेकिन कर्जन के पास स्थितियाँ सभी अनुकूल थी, सारी जो शक्तियाँ थी उसके अधिकार में थी, वो जो चाहे वो कर सकता था, सब कुछ करने में स्वतंत्र था, फिर भी उसने भारतीयों का कुछ भी भला नहीं किया। कर्जन ने भारतीयों को अयोग्य बता सभी उच्च पद अंग्रेजों को दे दिए, जिसका गुप्त जी को बहुत बुरा लगा। उनके अनुसार भारतीयों को छोटा समझना, निम्न समझना अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। तो लॉर्ड कर्जन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तथा यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके भारतीयों का भारी अहित किया, जो कि ये दिखाता है कि भारतीयों की जो स्तर है वो उसकी दृष्टि में बहुत निम्न है। नेक्स्ट है पांचवा चिट्ठा, जिसका नाम है आशा का अंत, और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 25 फरवरी 1905 था। इसके अंतर्गत गुप्त जी ने समस्त भारतीयों को कर्जन के शासन में उन्नति और विकास की जो आशाएं थी उससे लगा रखी थी, सबने उसका अंत हो चुका था, एक तरह से सब मान चुके थे कि अब कुछ भला नहीं होने वाला। भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेजी शासन में भारत का हित कदापि नहीं हो सकता। इस चिट्ठे के प्रारंभ में भारतीय जलवायु का प्रभाव दिखा गया है कि जो भारत का हित करने की लालसा लेकर भी आता है वह भी यहाँ की जलवायु के प्रभाव से देश हित विरोधी कार्य करने में लग जाता है, जैसा कि प्रभाव कर्जन पे हुआ, आते ही इसका प्रभाव पड़ा। और सबसे पहले उसने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता भंग की और अकाल पीड़ितों के प्रति सख्त दृष्टिकोण रख उस पर अन्याय किया, यानी कि उन पर दया भाव दिखाने की अपेक्षा उन पर और कर लागू कर दिए। साथ ही भारतीयों को अयोग्य व असत्यवादी घोषित किया, जिसका कि गुप्त जी ने घोर विरोध किया। अगला चिट्ठा है एक दुराशा, जो कि 18 मार्च 1905 में प्रकाशित हुआ। इस चिट्ठे का उद्देश्य भारतीयों की उस भावना का उन्मूलन करना है जो ये समझते थे कि वैधानिक सुधारों या शांतिपूर्ण साधनों द्वारा भारत को अंग्रेजों से स्वाधीनता मिल जाएगी। ये जो भावना थी भारतीयों के मूल में वो बिल्कुल निराधार थी, वो एक दुराशा थी, जिसे गुप्त जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से भारत के हित की कामना करना बालू की दीवार के बनाने जैसा है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय प्रजा और अंग्रेजी शासन के भेद को भी स्पष्ट किया। गुप्त जी केवल अंग्रेजी शासन की बात नहीं कर रहे थे बल्कि शासक और शासित के बीच जीवन संपर्क की भी वो हिमायत करते थे, यानी कि अगर कोई शासक अच्छा शासक है तो उसे ज़रूरी है कि वो प्रजा के से लगातार बातचीत में रहे, उनसे संपर्क में रहे, जो कि अंग्रेजों ने बिल्कुल नहीं किया था।
अगला है सातवां चिट्ठा, विदाई संभाषण। इसका प्रकाशन वर्ष था 2 सितंबर 1905। विदाई संभाषण में लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया है। इसमें भी काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरो यानी कि ब्रिटिश का वर्चस्व स्थापित करना था, देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे और इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों ही जगहों पर नीचा देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। नेक्स्ट है आठवां चिट्ठा, बंग विच्छेद। 21 अक्टूबर 1905 शिव शंभू का ये आठवां चिट्ठा, 1905 में ये चिट्ठा जो है ये प्रकाशित किया गया और शिव शंभू का ये आठवां चिट्ठा इतिहास की उस प्रसिद्ध घटना बंगाल विभाजन में प्रकाश डालता है। कर्जन के लिए लिखे चिट्ठों में अंतिम जो था वो बंग विच्छेद शासन की तमाम जनविरोधी कोशिशों की असफलता का जयघोष करता है। इसमें कुप्चे लिखते हैं कि यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है, बंगवासी इससे विच्छेद नहीं हुए वरन और युक्त हो गए हैं और ज़्यादा एक हो गए हैं। इस चिट्ठे में कर्जन की आत्मप्रशंसा झूठ और अहम मान्यता पर भी करारी चोट की गई है। चिट्ठे के अंत में बंग भंग की निस्सारता और कर्जन की योजना का उपहास करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को उजागर भी गुप्त जी ने ही किया था। नौवा चिट्ठा है लॉर्ड मिंटो का स्वागत, जो कि 23 सितंबर 1905 में प्रकाशित हुआ। बाल मुकुंद गुप्त कर्जन के बाद आए और वायसराय लॉर्ड मिंटो को लिखे अगले चिट्ठे में लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया और वह आपके उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वे समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। ये बाल मुकुंद गुप्त जी के जो चिट्ठा है उसी में से ली गई एक कोटेशन है। इसमें पता चल रहा है कि उन्हें लॉर्ड मिंटो से कुछ आशाएं हैं जो कि वो उन्हें बता रहे हैं। इस सिलसिले में बाल मुकुंद गुप्त शासन की एक आम रस्म सवाल उठाते हैं कि और वह यह है कि आने वाला शासक अपने पूर्ववर्ती शासक से परामर्श करता है, जनता से नहीं, यानी कि वो भी वही करेगा जो पहले वाले शासक ने किया था। दसवां चिट्ठा है मारली साहब के नाम, जो कि 16 फरवरी 1907 में प्रकाशित हुआ। मारली साहब के नाम के चिट्ठे में निश्चित विषय शीर्षक से भारत के मामले में वे इंग्लैंड के दोनों शासक दलों की एकता की पहचान करते हैं। सबसे पहले वे मारली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। इसमें एक लाइन उन्होंने कही है, हाकिम हकीम हो जाए या हकीम हाकिम बनाया जाए, दोनों एक ही बात है। तो प्रशंसा करने के बाद उनकी बातों के अंतर्विरोध को भी उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि आपका वर्णन सुनकर वे आश्चर्यचकित है, क्योंकि जैसा कि उनके बारे में बातें कही गई थी वो उससे विपरीत ही कार्य कर रहे हैं। ग्यारहवां चिट्ठा है आशीर्वाद, जो कि 30 मार्च 1907 में प्रकाशित हुआ और आशीर्वाद शीर्षक चिट्ठा शुरू तो होता है बारिश में अलग अलग प्राणियों की दुर्दशा के वर्णन से, लेकिन आगे बढ़कर पत्रकार के जेल जाने पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। गुप्त जी इस बात पर बल देते हैं कि पतन के बाद उत्थान अवश्य होता है। उनका मानना है कि वास्तव में जेल जो है चोर डकैतों के लिए हैं, पर जब उसमें सज्जन वर्ग जाने लगे तब समझो कि दिन फेरने वाले हैं। तो ये तो थे जो गुप्त जी ने चिट्ठे लिखे हैं जो हमारे कोर्स में हैं, और इन्हें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हर एक चिट्ठे में क्या क्या है, क्योंकि इसी से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।